लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में ब्लड बढ़ाने के लिए डाइट में शामिल करें ये तीन चीज़ें, गर्भ में बच्चे की सेहत में होगा सुधार। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में किसी तरह के पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की मेंटल फिजिकल ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। खासकर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके शरीर में खून की कमी ना हो। खून की कमी होना एनीमिया की ओर इशारा करता है। एनीमिया एक घातक रोग है। आयरन की कमी होने पर महिला को प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया हो सकती है। एनीमिया होने की वजह से महिला को मिसकैरेज होने का जोखिम बढ़ जाता है। यहाँ तक कि एनीमिया की वजह से प्री टर्म डिलीवरी और बच्चे का अंडरवेट होने का रिस्क भी बना रहता है। मेरा मानना है कि एनीमिया की वजह से महिला पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार भी हो सकती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिला अपने शरीर में ब्लड की कमी ना होने दे। इसके लिए डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिससे प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड बढ़ाने में मदद मिल सके। प्रेगनेंसी में ब्लड बढ़ाने के लिए क्या खाएं? प्रेगनेंसी में ब्लड बढ़ाने के लिए आयरन रिच फूड खाएं। प्रेगनेंसी में ब्लड काउंट बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं आयरन रिच फूड का सेवन करें। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी आयरन की मदद से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। आपको बता दें कि एक ऐसा न्यूट्रिएंट है कि जिसे बॉडी अपने आप नहीं बना सकता है, इसके लिए आप अपनी डाइट में आयरन युक्त आहार शामिल करने होंगे। आयरन रिच फूड के लिए आप अपनी डाइट में कई चीज़ों का शामिल कर सकते हैं, इसमें अंडा, मछली, चिकन, बीन्स, दालें, ग्रेन आदि। ध्यान रखें कि मीट से मिला आयरन बॉडी द्वारा आसानी से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वहीं सब्जियों में मिले आयरन को बॉडी देर से अब्जॉर्ब करता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी को एनीमिया है तो उन्हें एक्सपर्ट की सलाह पर मीट पाउडर का सेवन करना चाहिए। प्रेगनेंसी में ब्लड बढ़ाने के लिए खाएं फॉलिक एसिड। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को फोलेट का सेवन जरूर करना चाहिए। ये एक विटामिन बी होता है जो पोषक तत्व की कमी के खाने को चीजों में पाया जाता है। याद रखें कि फोलेट की मदद से आपकी बॉडी न्यू ब्लड सेल्स और डीएनए बनाने का काम करती है। डीएनए एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सेल्स में पाया जाता है। बहरहाल फोलेट की आपूर्ति के लिए आप डाइट में हरी सब्जियां, सिट्रस फ्रूट, बीन्स, मटर, अंडे और सी फूड शामिल करें। प्रेगनेंसी में ब्लड बढ़ाने के लिए खाएं विटामिन सी। आयरन को अब्जॉर्ब होने के लिए बॉडी में विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। आयरन बॉडी में हीमोग्लोबिन के स्तर को मैनेज करता है, जिससे एनीमिया जैसा घातक बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। यही नहीं, विटामिन सी की सेवन करने से बॉडी में ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में सही ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में सभी जरूरी के पोषक तत्व तो पहुंचते हैं, इसलिए अपनी डाइट में विटामिन युक्त फल जैसे सिट्रस फ्रूट, नींबू और संतरा जरूर शामिल करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बस बताएं। धन्यवाद।